टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड गाइस, क्योंकि आप इकरा को मिलने की मुझे इतना ज्यादा मुझे चाम था कि मैं उन्हें कब मिलूंगी। फाइनली वो वक्त आ ही गया जब मैं उन्हें मिलने के लिए जा रही थी। और अगर आप फुल व्लॉग देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को हरगिज स्किप मत करिए। बाकी जो जो भी चैनल पे न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। यहाँ से हमारा जो सफर है वो शुरू हो चुका था और जाते जाते जो जो कुछ हम लोग करेंगे, जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। आप लोगों को अपने व्लॉग के साथ कनेक्टेड रखूंगी और आप लोग यकीन करें कि जितना मुझे एस्ट्रोलॉजी वाली वीडियो के ऊपर प्यार मिला है, जितना सपोर्ट मिला है उस वीडियो के ऊपर, जितना आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है, मैं यकीन करें कि मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हुई हूँ ना। मैं कहती हूँ कि हेटर्स लाइफ में हमेशा इंसान के साथ साथ होते हैं, बट जब मैंने इस वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज़ देखे ना तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई हूँ कि बता नहीं सकती। क्योंकि ये देख लें, ये लोगों का लव ही है, ये प्यार ही है। क्योंकि मैं कहती हूँ प्यार के बिना तो इंसान कभी भी किसी के साथ इतना लव नहीं करता। अगर आप लोगों को उनसे प्यार था तो आप लोगों ने वीडियो को देखा, वीडियो के साथ आप कनेक्टेड रहे, इन्जॉय किया। और जिन लोगों ने वीडियो को देखा उन सब से अब भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी बहन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जरूर करिएगा, लाइक जरूर करके वीडियो देखिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब करना है चैनल को। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जी, हम लोग इकरापी की सोसाइटी में जो है वो इंटर होने वाले थे और धूप इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बट फिर भी जो जाने का जुनून था और जो कह लें कि था कि नहीं बस देखना है, मिलना है, वो उस गर्मी की शिद्दत को जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा था। फाइनली जी हम लोग आप इकरा के घर के सामने पहुँच चुके हैं और इतनी मैं एक्साइटेड थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। यहाँ पर जी हम लोग देते हैं बैल और बैल देकर जानते हैं कि क्या हम आप इकरा से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। यहाँ पर जी हमने दी बैल। बैल देने के बाद जो टाइम था वो आई थिंक सो हो गया था। नंबर दे यहाँ पर जी उनके जो घर में उनकी हाउस हेल्पर हैं वो आई और उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि इकरा आपी और रीब भाई घर पर मौजूद नहीं है, आप हमें अपना जो है वो फ़ोन नंबर दे दें। मैंने उन्हें बताया कि हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं उनसे मिलने के लिए स्पेशली, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह ही वो घर आते हैं या आप जो है अगर 3 आवर्स के बाद आना चाहें तो आप आ जाएँ, तब तक जो है वो इकरा आपी आ जाएगी। यहाँ पर आप यकीन करें कि इतनी गर्मी में मैंने पूरे 2 से 3 घंटे वेट किया सोसाइटी में ही हम लोग रहे, क्योंकि 2 घंटे का हम लोग सफ़र करके ऑलरेडी आए थे और अगेन 2 घंटे का हम लोग फिर हमें करना पड़ा था। इसलिए बेहतर यही था कि हम उन्हीं की सोसाइटी में रुक के उनका वेट करें और ताकि जो है वो आप ही से मीटअप करके ही जाएं, उनसे मिले बिना जो है वो मेरा जाने को दिल बिल्कुल नहीं था और अगेन आना जो है वो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर जी मेरे फाइनली जो है वो इंतज़ार के जो लम्हे थे वो ख़त्म हो गए थे और टाइम जो उन्होंने हमें दिया था वो हो चुका था। अब जाकर देखते हैं कि क्रापी से हमारी मुलाकात होती है कि नहीं। और इतना ज़्यादा वेट करने के बाद अगर 2 घंटे की बात थी तो वो तो घर में जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की बहन ने आपी से तो मिलना ही मिलना था। क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग में आप लोगों को कहा था कि मैं एस्ट्रोलॉजी हाउस गई थी बट वहाँ पे मेरी आपी से मुलाकात नहीं थी। अब जो है यहाँ से हम लोग निकलते हैं और निकल के जो है अगेन उनके घर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। और मौसम जो है वो जो 2 घंटे हमने वहाँ पर वेट किया इतनी तबाही की गर्मी थी, लेकिन जब हम लोग वहाँ से निकले हैं तो एकदम से जो है वो अरमान बदल गए, हालात बदल गए, वक्त बदल गया, मौसम बदल गया। यार इतना कमाल का मौसम हो गया था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। जब जाने का टाइम आया तो मैं यही कह रही थी कि काश ये जो है वो मौसम पहले ठीक हो जाता, इतना वेट किया जब हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब यकीन करें। और यहाँ पे आप देख लें, मैंने कहा चलें आप लोगों को मौसम शौसम भी दिखा दिया जाए, कितना प्यारा मौसम हो गया है। फाइनली जी आपकी बहन अगेन पहुँच चुकी थी, एस्ट्रोलॉजी हाउस तो पहुँच ही गई थी, अब करीब हाउस अब आपकी बहन पहुँची है। और हालत तुसी मेरी वेख सकते हो, जो मेरी हालत हुई है ना इन्नी गर्मी के बेचो मैं तुम्हें दस नहीं सकती। उसके बाद जी जो है वह अरीब भाई से हमारा मीटअप हो गया था। अनफॉर्चुनेटली माई बैड लक के इकरापी से जो है वो मेरा मीटअप नहीं हो सका, क्योंकि इकरापी जो है वो शूट पर
गई हुई थी और ये थोड़े से जो है दुखी दिल के साथ हम अगेन रवाना हो गए थे, लेकिन इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट मीटअप ज़रूर करेंगे क्रापी से, वो भी बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जितनी जो है वो अरीब भाई ने रिस्पेक्ट दी है ना, आप यकीन करेंगे मेरे पास अल्फाज नहीं है सिस्ट्रोलॉजी की, जितनी बड़ी मैं फ़ैन थी ना अब जो है वो मैं डैम फैन हो गई उनकी उतनी ही, क्योंकि पहले हम लोग गए थे सिस्ट्रोलॉजी हाउस, वहाँ पे अंकल आंटी हीरापी सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट दी थी। अगेन जो है अब हम लोग क्रीप हाउस गए तो वहाँ पर अरीब भाई ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। बाकी आप लोगों का प्यार जितना आप लोग दे रहे हैं, बस आप लोगों ने ये करना है कि अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखनी है, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरी पहले वाली वीडियो देखी है वो सब्सक्राइब करके नहीं देखी, इतने ज़्यादा व्यूज़ थे बट सब्सक्राइब कुछ चंद लोगों ने किया हुआ था, तो इस तरह ना किया करें यार, हम लोग स्ट्रगल करते हैं मेहनत करते हैं, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर किया करें, वीडियो को सब्सक्राइब करके देखा करें। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ के साथ अब हम नेक्स्ट मीटअप करने वाले हैं, वो भी आप लोगों को फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। बाकी अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और यकीन करें कि वापसी पे इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती, कहने दिल के अरमां आंसू में बहने वाला हिसाब हो गया था। बाकी जी टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।